हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं? आज इस बहुत छोटी सी वीडियो में हम टिपिकल ग्रामर की एक स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, उसको हम ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। आइए शुरू करते हैं। एक महाशय एक जूते की दुकान पर पहुंचे, तो एक महाशय के लिए लिखेंगे आ जेंटलमैन, केम आए कहां टू आ बूट शॉप, जूते की दुकान पर, एंड और एक जोड़ा मांगा के लिए लिखेंगे आस्क्ड फॉर, क्या मांगा आ पेयर। यहां पर अगर हम जूता ना भी लिखें तो भी काम चल जाएगा, बिकॉज हमने जूतों की दुकान को पहले ही मेंशन किया है, तो यहां पे जूतों के ही जोड़े मिलेंगे और कुछ नहीं। दुकान पर नौकर लड़के ने उन्हें कई जोड़े दिखाए, तो सब्जेक्ट है द शॉप बॉय, ये हो गया सब्जेक्ट नौकर लड़के ने। अब हमें चाहिए वर्ब दिखाए, शोड, ये हो गया वर्ब, किन्हें दिखाए उन्हें दिखाए, ये हो गया ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट हैं, कई जोड़ी जूते, मैनी पेयर्स, अगर आप चाहें तो ऑफ बूट्स लिख दें, अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो मैनी पेयर्स से भी काम चल जाएगा। अब रह गया दुकान पर, एट द शॉप, तो ये सारे भी अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, क्लियर। अंत में उन्होंने एक जोड़ा पसंद किया, अंत के लिए आ जाएगा फाइनली, उन्होंने मतलब ही, ये हो गया सब्जेक्ट, पसंद किया यानी कि सिलेक्टेड, अब जूता पसंद किया है तो सिलेक्ट आएगा, लाइक तो आएगा नहीं, लड़की तो पसंद की नहीं शादी के लिए, क्या पसंद किया आप पेयर, एक जूता पसंद किया ऑफ बूट्स। एक बार फिर कहूंगा, अगर आप यहां पर केवल पेयर भी लिख देंगे तो भी सेंस क्लियर हो रहा है, बिकॉज जूतों की दुकान पर हम पहले मेंशन कर चुके हैं, ठीक है। फिर आएगा उन्होंने, उसने पूछा इसका क्या मूल्य है, ही आस्क्ड What is its cost? इसका क्या मूल्य है, ठीक है। 20 रुपए लड़के ने उत्तर दिया, ये इन्वर्टेड कॉमाज में है, 20 rupees द बॉय, चाहे तो फिर से शॉप बॉय लिख सकते थे, द बॉय रिप्लाइड answered, रिफ्लेक्टेड, जो चाहें लिखें। एक और इंटरेस्टिंग टिप है जिसके लिए मैं चाहता हूँ ये ट्रांसलेशन की वीडियो शेयर किए हैं, नंबर को कभी नंबर में ना लिखें, उसे शब्दों में या वर्ड्स में लिखें। यहाँ पर हम 20 लिख सकते थे लेकिन ये अच्छा मैसेज नहीं जाता है, तो जब भी नंबर्स आए तो उन्हें वर्ड्स में लिखें, क्लियर। कुछ देर बाद वह महाशय बोले, After some time, चाहे तो after a while भी कह सकते थे, वह महाशय that gentleman said, बोले, जब वह के साथ कोई noun आएगा, वह लड़का वह लड़की, तो यहां पर that man that woman ही मैन और शी वुमैन नहीं कहेंगे, दैट मैन या दैट वुमैन या दैट जेंटलमैन कहेंगे। क्या बोले, इस समय मेरे पास केवल 18 रुपए हैं, तो आई हैव ओनली, फिर नंबर आ गया 18 rupees एट दिस टाइम, और यहां पर हम एट द टाइम भी कह दें तो भी गलत नहीं होगा, तो भी ट्रांसलेशन सही है, एट दिस टाइम, क्या यह संभव है, इज इट पॉसिबल, क्या यह संभव है दैट की, क्या है, मैं जूते ले जाऊं और शेष 2 रुपए फिर दे दूं, That I may
टेक द शूज एंड पे द रिमेनिंग ₹2 लेटर। क्यों नहीं, लड़के ने उत्तर दिया, इधर से लिख दे रहे हैं, वाई नॉट, क्यों नहीं। द बॉय रिप्लाइड, उत्तर दिया, क्या मैं जोड़ा बांधूं, शुड आई पैक द पेयर, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दें क्योंकि ये भी डायरेक्ट नरेशन में है। जब वे महाशय चले गए व्हेन दैट जेंटलमैन हैड गॉन, जा चुके थे, तो दुकानदार ने लड़के को बुरा भला कहा, तो द ओनर ऑफ द शॉप, या चाहे तो ब्रैकेट में शॉपकीपर, जो आपको बेटर लगे, बुरा भला कहा। कई इंग्लिश हैं इसके लिए, स्कॉल्डेड है, चाइड माने बुरा भला कहना, रिबक माने बुरा भला कहना, स्कॉल्डेड द, किसे बुरा भला कहा, शॉप बॉय। एक बार चाहे तो मैं फिर लिखा सकता हूं, दैट जेंटलमैन हैड गॉन, यहां से द ओनर ऑफ द शॉप या शॉपकीपर, ये सब्जेक्ट है, स्कॉल्डेड ए वर्ब है, शॉप बॉय ऑब्जेक्ट है, बुरा भला कहा। वह बोला, He said, वह, अब वह क्यों आएगा, Why will he come back, अब, now, Why will he come back, return, back मैंने लिख दिया क्योंकि वापस आना है, now, लड़के ने उत्तर दिया, द शॉप बॉय, मैं चाहता हूं बार बार आप इसको लिखें, रिप्लाइड, श्रीमान जी, सर, वह आए बिना नहीं रह सकता, ही कैन नॉट हेल्प कमिंग, इस तरह से हम सेंटेंस का यूज करते हैं, तो ही कैन नॉट हेल्प कमिंग, क्योंकि, बिकॉज, क्योंकि मैंने दोनों जूते एक ही पैर के बांध दिए हैं, बिकॉज आई हैव पैक्ड बोथ द शूज, दोनों जूते ऑफ द सेम फूट, एक ही पैर के बांध दिए हैं। सो फ्रेंड्स, आपको ये मेथड कैसा लगा, ये ट्रांसलेशन कैसा लगा, अगर आपको ये हेल्पिंग लग रहा हो, मीनिंगफुल लग रहा हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।